अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में राष्ट्रीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का रविवार को भव्य समापन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों के जाने माने 2 दर्जन से ज्यादा नामी गिरामी पहलवानों ने इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया। कुश्ती प्रतियोगिता देखने के लिए पूरा हायर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड दर्शकों से खचाखच भरा रहा। दंगल के दौरान पहलवानों ने अपने अपने दांव दिखाए और जमकर एक दूसरे को पटकनी दी। आपको बता दें कि हायर सेकेंडरी मऊगंज के मैदान में आयोजित इस दंगल प्रतियोगिता में विजयी पहलवान को पुरस्कृत किया गया, वहीं हारे पहलवानों की भी हौसला अफजाई की गई। दंगल देखने के लिए दूर दराज के कई गांव से भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। दंगल में पंजाब के मनजीत सिंह पहलवान ने अयोध्या के बाबा रामदास पहलवान को पटकनी देकर प्रतियोगिता के विजेता घोषित किए गए और उन्हें आयोजन समिति द्वारा 51,000 रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। वहीं कार्यक्रम मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि दंगल संस्कृत से जुड़ा हुआ है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस तरह के आयोजन से आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द की भावना बढ़ती है। मऊगंज में इतने बड़े आयोजन के लिए आयोजन समिति के संरक्षक हनीफ खान, अध्यक्ष मकसूद खान की खूब सराहना किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद देवराज सिंह और विशिष्ट अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष ब्रिजवासी पटेल, जनपद उपाध्यक्ष राम लखन सिंह मेहगना, वरिष्ठ जिला कांग्रेस नेता यदुवंश मिश्रा, जनपद सदस्य शेख मुख्तार सिद्दीकी मंचा सीन रहे। और बातों बातों में हमसे आपने कहा कि दादा दंगल का प्रदर्शन कराना चाहते हैं, ये बात सच है। ये जो तिवारी जी हैं, ये मुझसे 2-3 साल पहले मिले, लेकिन कुछ परिस्थितियां हुई, इसके बाद कोरोना काल आ गया और ऐसा प्रदर्शन नहीं हो पाया। लेकिन तिवारी जी की मंशा थी, ईश्वर ने इनकी मंशा भाई हनीफ खान के माध्यम से मैं ईश्वर को साधुवाद देता हूं। और एक सौहार्दपूर्ण आयोजन आपने कराया और एक आगे भी वातावरण सौहार्द का बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए मैं आयोजन समिति के हनीफ खान सहित, भाई मकसूद सहित समस्त साथियों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूं। सही बात भाषण का